नागदा अनंत पौधारोपण की समिति द्वारा कावड़ यात्रा के यात्रियों के विश्राम के लिए पौधारोपण कर एक अनूठी पहल शुरू की है। समिति द्वारा गर्मी में निकलने वाली कावड़ यात्रा के यात्रियों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता था, जिसमें यात्रियों को गर्मी का सामना न करना पड़े, इसीलिए हमने ये पौधारोपण किया है। ये कहना था समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह का। पौधारोपण को लेकर उन्होंने और भी जानकारी दी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। महाकाल, आप सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। विगत कई वर्षों से अनंत श्री पौधारोपण समिति, जैसा कि अभी आपको बताया अध्यक्ष महोदय ने, ये विगत प्रयास करती आ रही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आए, उसी मैसेज को लेकर इन्होंने इस बार विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा में और कांवड़ियों द्वारा ये वृक्षारोपण कराया है। जिस प्रकार से राष्ट्र आवश्यक है, सबसे पहले राष्ट्र है, फिर धर्म है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में पर्यावरण भी हो, पर्यावरण का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप सभी पर्यावरण जागरूक हों और सभी एक पौधा जरूर लगाएं और हमारे अनंत श्री पौधारोपण का उत्साहवर्धन करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।